अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो अब हम लोग अपने सेवंथ पार्ट में हैं मेट्रो बस स्टेशन की बिगिनर सीरीज के ऊपर। तो ये शायद हमारा सेकंड लास्ट पार्ट होगा। इसके अंदर हम लोग की जो समुद्र की लहरें ये एनिमेट करना सीखेंगे, ये बादल जो है और बादल का जो धुआं है वोल्केनो का ये एनिमेट करना सीखेंगे, और थोड़ी सी एक्स्ट्रा डिटेल ऐड करेंगे जो इसमें मैंने जो प्रीव्यू है इसमें मैंने नहीं बनाई थी, लेकिन वो थोड़ा नेसेसरी था, बट नेसेसरी डिटेल है, थोड़ा एक्स्ट्रा इफेक्ट ऐड करेगी। तो सबसे पहले हम लोग उस एक्स्ट्रा डिटेल से ही स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन्वायरमेंट को क्लोज कर दें, स्टेशन में कलेक्शन के अंदर अपना जाता हूँ, उसके मैं सेलेक्ट करता हूँ, फिर से साइड व्यू में चला जाता हूँ और शिफ्ट ए में करता हूँ, ठीक है, मैश, और मैं सिलेंडर क्रिएट करता हूँ, ठीक है, और सिलेंडर के सब डिविजन में 8 रख देता हूँ, उतनी आई थिंक काफ़ी होंगी, ठीक, और से जी जेड से ऊपर ले जाएँ, फिर से स्केल करके थोड़ा छोटा करते हैं, ठीक है, और फिर एस जेड के ऊपर उसे जेड एक्सिस के ऊपर हमें थोड़ा बड़ा करना है, तो जी वाई से उसे साइड पर ले जाता हूँ और जी जेड से इसे नीचे रख देते हैं, इसे हाँ इस पोल के अंदर से विजिबल नहीं होना चाहिए, और इसे भी हम लोग जो लाइट पोल्स का जो एक तो लाइट वाला मटेरियल था ना, जो दूसरा मटेरियल था हमने जो पिछले उसमें क्लैब क्रिएट किया था वो दे देंगे इसे, तो सॉरी ये पार्टिकल सिस्टम क्रिस्ट वाला हो गया, तो जो लाइट पोल वाला था मटेरियल उसे क्लिक करें और वही हम लोग से साइन ऑटोमेटिकली हो गया, ठीक। उसके बाद हम लोग इसके ऊपर एक ना ये साइन हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, जो एग्जैक्ट पता है कि स्टेशन है, ठीक है, स्टेशन की अपनी एक डिफिनेशन होती है कौन सा स्टेशन है, तो उस टाइप से एक सबसे ये समझ सही डिटेल भी है और थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा स्टेशन अच्छा लगेगा इससे। तो उसके बाद शिफ्ट ए करें, ठीक है, क्यूब ले आएंगे हम लोग जी जेड से ऊपर ले आते हैं, ठीक, और फिर उसे स्केल करें सारा तकरीबन इतना ठीक रहेगा, और फिर से एस जेड से जेड एक्सिस के ऊपर स्केल करें, फिर साइड व्यू चले जाते हैं तो वो बहुत मोटा है, तो उसे एस एक्स से एक्स एक्सिस के ऊपर मैं स्केल कर रहा हूँ, तो ये पतला सा हो जाएगा, ठीक हो गया। फिर उसके बाद टैब लॉक एडिट मोड में चले जाएँ, ठीक, करते जाएँ जिस सिर्फ ये कोने वाली एजेस सेलेक्ट करनी है हमने, ठीक है, सारी शॉर्ट सेलेक्ट हो गया, तो फिर क्लिक करें कंट्रोल बी को, ठीक है, और हम लोग से थोड़ा सा बेवल करते हैं, ठीक, और माउस को स्क्रॉल करें थोड़ा सा लूप कट सेट करें ताकि ये थोड़ा सा स्मूथ सा हो जाए, ठीक हो गया। फिर उसके बाद अपने हमने दो मटेरियल इसके लिए क्रिएट करते हैं, ठीक है, एक न्यू मटेरियल होगा, इसका नाम मैं रखता हूँ टेक्स्ट, क्योंकि हमने बाद में इसके ऊपर टेक्स्ट ऐड करना है और इसके ऊपर हमने एक और चीज़ हम लोग करेंगे, तो इसे चेंज करके इमेशन में चेंज करते हैं, ठीक, उसका कलर मैं ये पर्पल सा भी कलर रख लूँ, बाद में मैंने आपको बताया था कि मतलब बाद में प्रॉपर्टी कैसे मटीरियल करेंगे। फिर प्लस का दबाएं निशान और ये वाला मटीरियल सेलेक्ट करें, जो प्रॉन्ग्स वाला मटीरियल था ना, ये जो इन प्रॉन्ग्स के लिए हमने क्रिएट किया था वही मटीरियल प्रॉन्ग्स वाला सेलेक्ट कर दें, ठीक हो गया। तो अब फेस सेलेक्ट मोड को सेलेक्ट करें, फ्रंट फेस को सेलेक्ट करें, ठीक, और फिर बैक जो दूसरा बैक फेस है दोनों को सेलेक्ट करें और क्लिक करें, क्लिक करें आई इंसर्ट करने के लिए, तो ये फेसेस अपने अंदर ही ये थोड़ा सा हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अब एक ट्रिक है, ये थोड़ी आसानी आपको होगी, आप करें सेलेक्ट, ठीक है, इन्वर्ट। अब इन्वर्ट जब हम लोग क्लिक करेंगे तो जो फेस सेलेक्ट नहीं हुए हुए वो सारे सेलेक्ट हो जाएंगे, जो सेलेक्ट हुए हैं वो डिसलेक्ट हो जाएंगे, इस तरह होगा ऑपोजिट, मतलब जो आपने सेलेक्ट किया उससे सेलेक्ट इन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अब इस तरह से जो फेसेस उसके ऑपोजिट है वो सेलेक्ट हो गए, और जेड दबा के वायर फ्रेम मोड में चल जाएँ, ठीक है, बी से बॉक्स सेलेक्ट करें और शिफ्ट दबा के, ताकि हम लोग कोने वाले फेसेस जो हैं इन्हें हमें डिसलेक्ट करना चाहते हैं, तो इस तरह से डिसलेक्ट हो गए। अब सिर्फ ये जो फेसेस आप देख रहे हैं ना, ये जो आपको नजर आ रहा है, सिर्फ ये फेसेस सेलेक्ट आपके होने चाहिए, सॉलिड मोड में चल जाएँ, और जो टेक्स्ट वाला है वो हम लोग असाइन कर देते हैं। फिर हम लोग करते हैं सेलेक्ट इन्वर्ट फिर से, ठीक है, अब जो सारे ऑब्जेक्ट्स वो सेलेक्ट हो गए तो प्रॉन्ग वाला जो मटेरियल वो सेलेक्ट करें और फिर असाइन कर दें, इस तरह से ये होगा कि जो दोनों जिससे सेपरेट मटेरियल है उन्हें असाइन हो गए, देखिए इस तरह से हम लोग ये चार्ट से, ठीक है, मटेरियल तो मैंने आपको बताया था हम लोग बाद में प्रॉपरली क्रिएट करेंगे। तो इसके बाद ये साइन क्रिएट हम आ रहा हो गया, तो हम लोग से जी वाई से मूव करते हैं यहाँ पे और जी जेड से नीचे प्लेस कर देते हैं, अगर आप चाह रहे हैं कि बिल्कुल प्रॉपरली इसके साथ अलाइन हो इसे सेलेक्ट करें, ठीक है। अब ये वाई एक्सिस है हमारा, तो वाई एक्सिस के ऊपर इसकी पोजीशन है 27 पॉइंट समथिंग, ये समथिंग है, मेरी आपकी डिफरेंट होगी, कॉपी कर ले, ठीक है, और फिर इसे सेलेक्ट करें, देखें इसकी थोड़ी सी डिफरेंट है, 26 पॉइंट समथिंग है, तो वी करेंगे तो वो भी एक्जैक्टली उसी जगह ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अभी साइन थोड़ा मुझे छोटा लग रहा है, मैं इसे स्केल कर देता हूँ थोड़ा सा, वो इतना आई थिंक ठीक रहेगा, इतना ठीक रहेगा। और अब हम लोग टेक्स्ट सेट करते हैं, तो टेक्स्ट के लिए सबसे पहले ये है कि मैं पहले सॉलिड मोड में चला जाता हूँ, ठीक, टेक्स्ट अब थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी ऑब्जेक्ट से, ठीक है। अब शिफ्ट करेंगे, बल्कि मैं टेक्स्ट में से स्टेशन से बाहर क्रिएट कर लेता हूँ ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अभी यहाँ पे बहुत बल्कि मैं अभी सिर्फ स्टेशन को विजिबल रखता हूँ, ठीक है। तो टेक्स्ट थोड़ा जो ना थोड़ा सा ना डिफरेंट होता है बाकी सारे ऑब्जेक्ट्स से ना, वो पहले जब हम लोग क्रिएट करते हैं तो कर्व्स की फॉर्म में होता है, और बाद में हमने उसे ऑब्जेक्ट्स में जो नॉर्मल मैश मटेरियल है उसमें क्रिएट करना होता है, तो अब शिफ्ट करेंगे, ठीक है। तो ये देखें आ जाएगा टेक्स्ट, ठीक है, इसे सेलेक्ट किया, ये स्टेशन को भी मैं भी के लिए हाइड करता हूँ, तो ये देखें टेक्स्ट इस तरह आ गया। सैमसंग में टॉप व्यू में चला जाता हूँ, तो जब आप टैब में एडिट मोड पर जाते हैं बाकी सारे मटीरियल की नोट आ जाती है, इसमें टाइपर आ जाता है इस तरह का, ठीक है। तो
ये देखिए अभी टेक्स्ट वाला एक मेन्यू भी क्रिएट हो गया, इसे सेलेक्ट करें। ठीक, तो हमें जो इसकी जो अलाइनमेंट है मैं चाह रहा हूँ सेंटर में हो। ठीक है, अभी बिल्कुल सेंटर में, सेंटर के अंदर है। उसके अंदर और काफ़ी सारी सेटिंग्स हैं, अगर फॉन्ट भी आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, काफ़ी सारी और ऑप्शन भी हैं। अगेन मैं मतलब इतनी डेप्थ में नहीं जाना चाह रहा, तो हम लोग इसका ना अभी जो ये जो मतलब बेसिकली ये स्टेशन नेम ही होगा, इससे जो बस सर्विस उसका नाम लोग नाम रखेंगे। तो मेट्रो के बजाय मैं रख रहा हूँ इंटर वाटर है नारवाल, फिर इंटर दबा के एक्सप्रेस में इसका नाम उसका रख देता हूँ। ठीक है, मेरी स्टेशन मेरी जो बस सर्विस है मेरा उसका नाम है, आप कुछ और रख सकते हैं। और इसको हम लोग ज्योमेट्री भी थोड़ी सी दे सकते हैं। ठीक है, इसे हम थोड़ा सा एक्सट्रूड कर देते हैं। मैं इसे मैश में कंट्रोल मैं आपको बता देता हूँ किस तरह आप कर सकते हैं, लेकिन मैं खुद नहीं करूँगा उसे ना। आई थिंक इतनी काफ़ी है 0.2। ठीक है, इसे मैं मटेरियल वही दे देता हूँ जो हमने टेक्स वाला बनाया था, इस वजह से मटेरियल को नाम रखना काफ़ी ज़रूरी रहता है, सही रहता है। देखें अब यूज हो गया। ठीक है, तो अब मैं चैट मोड पर दिखा रहा हूँ, अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं इसे क्या नाम है एक प्रॉपर मैश ऑब्जेक्ट में, आप इसे थोड़ा सा एलाइज करना चाहते हैं कुछ मरा के। ठीक है, तो क्लिक इसे सेलेक्ट किए हुए कर लिख करें ऑब्जेक्ट कन्वर्ट टू। ठीक है, मैश फ्रॉम कर्व टेक्स्ट। ठीक है, इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन मैं नहीं कर रहा। ठीक, क्योंकि इसके लिए जरूरत नहीं है। फिर करेंगे RX90 ताकि सीधा हो जाए। ठीक, और फिर मैं स्टेशन को फिर से विजिबल करता हूँ जी जेड से मैं ऊपर ले जाता हूँ, और फिर RZ90 में करता हूँ ताकि इस तरह साइड व्यू के ऊपर आ जाए। ठीक हो गया, मैं थोड़ा मटीरियल प्रीव्यू कर लूँ उसकी, और GX से मैं GY से मैं साइड पर मूव कर देता हूँ, GZ से इसे थोड़ा नीचे ले आता हूँ। ठीक, और मैं चाह रहा हूँ GX से थोड़ा सा ये इधर फ्रंट पे शो हो रहा हूँ, अभी भी थोड़ा सा मैं आ नहीं रहा। ऐसे टेक्स को थोड़ी सी और ज्योमेट्री देनी पड़ेगी ताकि वो और सॉलिड हो जाए। मैं इसे 0.1 ज्योमेट्री दे देता हूँ, और ये गलत साइड के ऊपर विजिबल हो गया। ये हमने चाहे बिल्कुल इसके जो ऊपर है ना सामने इस तरह से ये शो हो रहा हो। ठीक हो, कहते हैं देखिए नारवल एक्सप्रेस अब लिखा नजर आ रहा है। इसे थोड़ा सा और स्केल में कर देता हूँ, हम लोग बाद में जब इमिशन शेडर को थोड़ा सा ना ज़्यादा करेंगे तो उस हिसाब से ज़्यादा ठीक हो जाएगा। आप इसे डेप्थ भी देना चाहे तो दे सकते हैं। ठीक है, बेवल रेजोल्यूशन है क्लिक गया ना, आपकी अपनी प्रेफरेंस प्रेफरेंस है, पर्सनल प्रेफरेंस है। और ये देखें ये देख मैं यहाँ से देखने से पता चल गया सिर्फ प्रॉपर नीचे नहीं हुआ हुआ, इसे भी नीचे ले आए और एस जेड करके थोड़ा सा स्केल कर देते हैं। ठीक हो गया, और इसे जो सेलेक्ट करें उसका जो ये इनसेट वाला फेस है इसे सेलेक्ट करें और इसे सेलेक्ट करें करें और फिर स्केल करके थोड़ा बड़ा कर लें। बहुत ज़्यादा आई थिंक अंदर हो गया, इतना आई थिंक सही रहेगा। चार बड़ा ग्रेट मोड से बाहर आ जाए और फिर से टेक्स्ट को सेलेक्ट करें और फिर उसे भी स्केल कर दें थोड़ा सा और। ठीक है, और टेक्स्ट में चाह रहा हूँ कि एक ही साइड पर आई थिंक ठीक है, मर्जी आपकी अपने दूसरी साइड पर रखना है नहीं, लेकिन मेरे लिए आपसे ये एक साइड पर ठीक है। ठीक, तो अब जो टेक्स्ट है उसे हम लोग वापस स्टेशन वाले कलेक्शन के अंदर ऐड कर देते हैं। ठीक, क्योंकि उसी का सही था वो। ठीक, और टेक्स्ट को सेलेक्ट करें पहले। ठीक है, और हम लोग इसे पेंट करेंगे ये जो है क्या नाम है ये जो अजीब सा बना हुआ है क्यूब सा। ठीक है, तो शिफ्ट करके पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट करें फिर शिफ्ट सेलेक्ट करें इस वाले को ये जो बना हुआ है। ठीक है, और फिर से करें कंट्रोल पी टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इस तरह से ये हो गया कि अगर मैं जो ये जो है साइन इसे मैं रोटेट करूँगा तो टेक्स्ट ऑटोमेटिकली साथ रोटेट होगा क्योंकि हमने इसे रोटेट करना है बाद में। और फिर इसी तरह से जो जो ये है इसे नाम रख लेता हूँ साइन के नाम से SIGHN साइन। ठीक है, और ये जो नीचे वाला है उसे भी सेलेक्ट करता हूँ और फिर शिफ्ट बाकी इसे सेलेक्ट करता हूँ, फिर करता हूँ कंट्रोल पी टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, अभी साइन के अंदर ये दोनों हो गए हैं। ठीक, लेकिन प्रॉब्लम अब ये है कि मैं आई थिंक पेंट से नहीं करना चाहिए था। हाँ, ये अलग अलग ही ठीक है इसी तरह से, तो इसे हम लोग बस रहने देते हैं। ठीक, और अब हम लोग एक और साइन करेंगे कि स्टेशन का नाम क्या, क्योंकि यहाँ पे वोल्केनो थी तो मैं एक वोल्केनिक थीम का स्टेशन क्रिएट करता हूँ। ठीक, मैं टेक्स्ट को डुप्लीकेट नहीं करना, ऐसा करते हैं शिफ्ट ए मैश क्यूब करें। ठीक है, और साइड व्यू पर ले जाते हैं इसे GY से मूव करके इसे वहाँ पे ले जाएं। ठीक है, और फिर GZ से हम लोग सिस्टर ले जाते हैं और फिर उसे भी यहाँ पर रखते हैं। ठीक है, सर स्टेशन बस यहाँ से आ रही होती है वो सर सवाल राइव होगी, तो S करें Y के एक्सिस के ऊपर।
और फिर से स्केल सरासरा करें और फिर से एस जेड कर लें, ठीक है। फ्रस्ट्रेशन का होगा साइन सिंपल सा हो गई, ठीक। और फिर इस क्यूब को हम लोग डुप्लीकेट कर लेते हैं, ठीक है। अभी स्टेशन नेम रख देता हूँ और फिर इसे मैं शिफ्ट डी जी जेड करता हूँ, ठीक है। और ये जो इसकी टांगे हम लोग बना लेते हैं, ठीक है, इसे एस एक्स करें इतनी, ठीक, और जी जेड के ऊपर यू कर लें इस तरह से, ठीक है। और इसके ऊपर भी हम लोग मिरर मॉडिफायर अप्लाई करते हैं, क्या तो आके मिरर मॉडिफायर इसके ऊपर अप्लाई कर दें, क्लिपिंग ऑफ रखें और जी एक्स करें, तो ये देखें ऑटोमेटिकली इसकी दो टांगे क्रिएट हो गई हैं, ठीक है। और इससे हम लोग इसकी जो टांगे हैं वो ज़्यादा थिक हैं, तो इसे एस वाई करें, ठीक है, वाई एक्स इसके ऊपर थोड़ी पतला करने के लिए, और इतनी आई थिंक टांगे काफ़ी हैं, ठीक। और मिरर मॉडिफायर भी अप्लाई नहीं करते हैं क्योंकि शायद हमें इसके ऊपर कोई चेंजिंग करनी पड़े, तो इसे भी एस वाई करें, वाई एक्स इसके ऊपर पतला, तो सिंपल सा साइन है, कोई इतना खास नहीं, लेकिन वैसे इतना काफ़ी है। इसके ऊपर मैं मिरर मॉडिफायर अप्लाई करता हूँ और फिर से शिफ्ट बाकी इसका सेलेक्ट करें और क्लिक करें कंट्रोल जे, अब ये एक सारा ऑब्जेक्ट बन गया, स्टेशन नेम जो है, ठीक हो गया, स्टेशन नेम हो गया। इसको जो पोल है असल में ना, आई थिंक इसके पेरेंट पेरेंट ही रहने थे, बेशक आपकी मर्जी है या रिमूव करने आपकी मर्जी है, क्योंकि जिस तरह से मैंने रोटेट करना है ना उस हिसाब से किसी को समझ में नहीं आएगा कि हो क्या रहा है इसके अंदर। लेकिन यह कि चलिए मैं पेरेंट मूव कर देता हूँ, पेरेंट ठीक क्लियर पेंट करता हूँ, अब ये वापस लेंड हो गया है, साइन पोल के नाम से रख देता ताकि बाई चांस हमें याद ही रहिए, ठीक हो गया। तो अब जो है ये वाला इसे सेलेक्ट करते हैं हम लोग, ठीक है, इसे भी हम लोग जो प्रॉन्ग वाला मटेरियल वो सिंपल दे देते हैं, ठीक है। और डिफरेंस बस ये है कि जो ये नॉर्मल एक्सप्रेस वाला टेक्स्ट है हम लोग इसे शिफ्ट टी जी जेड नीचे ले जाते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग इसको भी हम लोग करते हैं ऑब्जेक्ट, क्योंकि वो पेंट हुआ होगा ऑटोमेटिकली उसके साथ पेंट, तो क्लियर पेंट करें, अब ये भी इससे ज़्यादा है, तो आर जेड 90, ठीक है। और स्टैप ब्लॉक एडवर्ड में चल रहे हैं हम लोग, इससे चाहते हैं गोद नाम थे हम लोग, तो इस पर नॉर्मल एक्सप्रेस के बजाय वोल्केनो व्यू स्टेशन हम लोग उसका नाम करते हैं, ठीक। और एस सॉरी और इंटर बाकी एक्स्ट्रा कर रहते हैं, आई थिंक वोल्केनो व्यू स्टेशन, और इसका हम लोग टेक्स इसका नाम आप टेक्स वन रखते हैं, ठीक है। और हम लोग इसे केवल नहीं, हम लोग इसे टेक्स टू नाम से मटेरियल खो देंगे न्यू, और इसका नाम होगा टेक्स्ट टू, और इसे हम लोग देंगे एक रेड कलर मटेरियल अभी के लिए दे देते हैं अभी के लिए, ठीक। तो एक तो इसे हम लोग स्केल कर देते हैं, वायर फ्रेम मोड में चल जाते हैं, अब इस तरह से पता चल रहा है कि वो गलत जगह पे, इस पर हमें जी जेड करके नीचे लें ताकि इसकी टांगे बीच में छुप जाए, टेक्स्ट सेलेक्ट कर लें जी जेड नीचे लें ऐसे, और फिर जी वाई से मूव करके ये इस तरह के दरमियान रख लें, सॉलिड मोड में चल जाते हैं और जी एक्स से थोड़ा सा साइड के ऊपर रखा दें, स्केल कर लें ताकि जब तक इसके अंदर फिट नहीं आ जाता, ठीक। तो जी जेड से इसे थोड़ा सा नीचे भी कर लेते हैं, वैसे इतना काफ़ी है, ये स्टेशन ठीक लग रहा है, ठीक, इस तरह ठीक लग रहा है। तो स्टेशन हमारा कंप्लीट हो गया है, तो अब हम लोग चलते हैं एनिमेशन वाले प्रोसेस के ऊपर, एनिमेशन थोड़ी आराम से ही हो जाएगी, इतना कोई मसला नहीं है, ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम लोग इसे एनिमेट करेंगे जो साइन है, ठीक हो गया। तो हम लोग की फ्रेम्स इस्तेमाल करेंगे, की फ्रेम्स बेसिकली पोजिशन को लोकेट कर लेता होता है ना, जो पोजिशन है उसकी लॉक कर लेता होता है और बाद में फिर वो उस जब ऑटोमेटिकली खुद से इंटरपोलेट कर लेता होता है। स्टार्ट में एनिमेशन वन से हो रही है, फ्रेम वन से, ठीक। और हमारा जो FPS होगा वो है 24 फ्रेम्स होंगे एक सेकंड के अंदर, और 250 लंबी 250 है, लेकिन हम लोग इसे 240 कर लेते हैं, इसका मतलब है हमारी 24 × 10 = 240 फ्रेम्स, ठीक है, मतलब 10 सेकंड की हमारी टोटल एनिमेशन होगी, ठीक हो गया। तो हम लोग अभी सबसे पहले इसे एनिमेट कर लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम लोग बाकी सारे करेंगे। तो हम लोग इसका एनिमेट करने के लिए की फ्रेम्स इस्तेमाल करेंगे, की फ्रेम्स बेसिकली उस पोजीशन को लॉक कर लेंगे, ठीक है, रिकॉर्ड कर लेंगे और ऑटोमेटिकली उसके हिसाब से इन बिटवीन जो है फ्रेम्स क्रिएट कर लेंगे। तो
की फ्रेम्स क्रिएट करने का तरीका ये है कि आप जो उसकी लोकेशन रोटेशन या जो स्केल है उसको स्केल को भी कर सकते हैं कंट्रोल करके, उसे आइट घुमाएंगे तो वो वहाँ पे की फ्रेम ऐड कर देगा। ठीक है, तो हम लोग बस की रोटेशन को करेंगे की फ्रेम, तो फ्रेम वन के ऊपर अभी इसकी ये बेस पोजिशन है। ठीक हो गया, तो फ्रेम वन के ऊपर की जो बेस पोजिशन है इसके ऊपर इसकी जॉइंट रोटेशन के ऊपर। ठीक है, हम जेड एक्सिस के ऊपर से हम लोग करना चाहते हैं लेकिन चल सारे को वो ऑटोमेटिकली लॉक कर देता है और क्लिक करें आई। ठीक है, अभी देखें येलो हो गया है, इसका मतलब यहाँ पे की फ्रेम में ऐड हो गया। फिर उसके बाद हम लोग फ्रेम चेंज करेंगे। ठीक है, और लास्ट फ्रेम है 240। ठीक है, तो हम लोग चाहें फ्रेम के एंड तक, बिल्कुल फ्रेम एनिमेशन के एंड तक ये वापस घूम के इस तरह से पूरा वापस आ जाइए। देखें मैं जेड एक्सिस को घुमाऊंगा तो उस हिसाब से रोटेट कर रहा है। ठीक हो गया, तो पूरा रोटेट ये करता है 360 डिग्री के ऊपर। ठीक है, मैं 360 क्लिक करता हूँ तो ये देखें वैल्यू, अब ऑरेंज भी मतलब उस वैल्यू के ऊपर हमने अभी तक की फ्रेम ऐड किया, तो मैं अभी क्लिक करूँगा आई, अभी फिर से की फ्रेम ऐड हो गया। अब मैं प्ले को करता हूँ तो ये देखिएगा वो उस तरह से घूमता जा रहा है। ठीक हो गया, तो इस तरह से ये हो गया हमारा साइन एनिमेट। तो ये तो हमारी पहली चीज थी, जो दूसरी चीज है वो हम लोग वैसे विजिबल ले जाते हैं। ठीक, तो की फ्रेम्स काफी जगह पे काम करते हैं, ऑलमोस्ट हर जगह के ऊपर काम कर जाते होते हैं। तो दूसरी चीज जो है अब हमने जो एनिमेट करना था वो था हमारा समंदर। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले एनवायरमेंट सिलेक्शन कर हम लोग जाते हैं। ठीक, और हम लोग एक ऑब्जेक्ट में क्रिएट करेंगे शिफ्ट ए एम्प्टी। ठीक है, और आपकी अपनी मर्जी में से कोई भी सब भी सिलेक्ट करें, सवाई इमेज के आप कोई सब भी सिलेक्ट कर सकते हैं लेकिन मेरे से प्लेन एक्सिस बेहतर रहेगा तो प्लेन एक्सिस को सिलेक्ट करें। ठीक हो गया, और उसमें जी जेड करके यहाँ पे ऊपर ले जाता हूँ। एम टी अब एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो रेंडर में क्रिएट रेंडर में नहीं रेंडर होता होता, बेसिकली ये यहाँ पे होता है सही कंट्रोल करता है चीज़ों को लेकिन ये रेंडर नहीं होगा। ठीक हो गया, तो हम लोग इसके थ्रू जो है पानी को हम लोग एनिमेट करेंगे करेंगे तो पहले जो पानी वाला सी इसे सिलेक्ट करें। ठीक है, मॉडिफायर्स में चल जाएँ, और आप उम्मीद है आपने वो जो है ये डिस्प्लेस मॉडिफायर अप्लाई नहीं किया था। ठीक है, तो लोकल की जगह से चेंज कर दें ऑब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, और ये जो एम टी छोटा सा यहाँ पे है इसका नाम क्या है, एम टी टू है नाम इसका, MT001 है, मेरे केस में आपका शायद कुछ और भी हो सकता है, तो उस इधर ना MT001 को सिलेक्ट कर लें। ठीक है, अब इसलिए देखें थोड़ा सा चेंज हो रहा है, तो अगर अब मैं MT001 को सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, और मैं हिसाब से MT001 को देखता हूँ घुमाता हूँ तो ये देखें वो समंदर बहुत चेंज हो रहा है। ठीक है, तो मैंने तो अपने लिए जो है जब मैंने इसे एनिमेट किया था तो मैंने इसकी रोटेशन और रोटेशन बस कंट्रोल कर रही थी, सारे एंगल्स के ऊपर मैंने 360 रोटेशन की थी। तो एम्प्टी को सिलेक्ट किया हुआ है आपने तो उसके ऊपर हम लोग अब की फ्रेम्स ऐड करेंगे। ठीक है, फ्रेम वन के ऊपर जाएं, उसकी रोटेशन के ऊपर फिर आई क्लिक करें। ठीक है, अब तीनों जो एक्स वाई जी एक्सिस के ऊपर एम्प्टी की उसके ऊपर हो गए की फ्रेम्स ऐड हो गए। फिर फ्रेम 240 के ऊपर चल जाएं, देखा वो ग्रीन हो गया मतलब कोई हमने वैल्यू की फ्रेम यहाँ पर नहीं ऐड हुआ, तो सारों को 360 वैल्यू दे दें। ठीक है, मैं कॉपी करके सारों को 360 वैल्यू दे रहा हूँ, आपकी अपनी मर्जी, आप सिर्फ किसी एक एक्सिस के ऊपर कर सकती है लेकिन मैंने उस ओरिजिनली में वही किया था तो मैं उधर वही करूँगा। और फिर उसके ऊपर सेलेक्ट क्लिक करें आई। ठीक है, अब येलो गया मतलब की फ्रेम यहाँ पे ऐड हो गया, तो एम टी अब रोटेट होता जा रहा है और हिसाब से इस मदर भी होता जाएगा। ठहर में बाकी सारी चीज़ें जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो मैं उनके लिए हाइड करता हूँ। ठीक है, और हम लोग सप्ले करते हैं तो ये देखें समंदर उस तरह से घूमता जा रहा है। अब ये क्योंकि FPS काफ़ी लो हुए हैं इस वजह से ये सारा जीपते कैसे बिहेव कर रहा है आपको लग रहा होगा, क्योंकि ये व्यू पोर्ट के ऊपर बहुत हाई क्वालिटी बन गई अब ये, तो इस वजह से ये मसला ये कर रहा है। ठीक, एक और चीज़ मैं आपको एनिमेट करना सिखा देता हूँ, अगर सपोजिटली आप इसे रात का सीन बनाना चाहें। ठीक, अगर आप रात का सीन बना जाते हैं तो उसके लिए आप समझ आप चाह रहे हैं कि रात का सीन हो और लाइट्स जो है लाइट्स जो है ऑन हो। ठीक है, तो अभी वैसे ये ब्लैक वाली जो लाइट्स हैं देखें ये ग्रे हैं और ये इंस्टेंसेस हैं और ये ब्लैक वाली जो रीजनल लाइट्स थी, और मैंने कहा था हमने पिछले ट्यूटोरियल्स के सारी लाइट्स को लिंक कर लिया था, तो उसके लिए हम लोग अब इसकी जो वैल्यू है उसके ऊपर भी की फ्रेम्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसी पावर जो है उस तरह से। ठीक है, अब रेंडर व्यू में चला जाते हैं। ठीक हो गया, तो सपोजिटली अभी दिन का टाइम है सपोज कर रहे हैं। ठीक है, इसका जीरो वैल्यू है, इसकी लाइट्स अब बिल्कुल ऑफ है। ठीक है, मैं आई दबा के की फ्रेम यहाँ पे फ्रेम वन के ऊपर चला जाता हूँ। ठीक है, और इसकी जो पावर है उसके ऊपर आई दबा के की फ्रेम क्रिएट करता हूँ। ठीक है, और इस तरह से अब समझ लें फ्रेम 120 के ऊपर सपोज हम लोग कर रहे हैं अभी के लिए। ठीक है, इस पोजीशन अभी तो मैं आपको बस टीच करूँ क्योंकि ट्यूटोरियल का हिस्सा ये नहीं था इसके लाइट्स का, लेकिन यह मैं बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, और फिर हम लोग कहते हैं 120 के बाद अचानक से मतलब ठीक है कि लाइट्स ऑन हो जाए, लेकिन मसला है अभी इंटरपोलेशन की मतलब इंटरपोलेशन उसकी मैं अब यहाँ पे की फ्रेम उसकी ना जो पावर इसकी पावर है करता हूँ 3000। ठीक है, और मैं फिर क्लिक करता हूँ आई की फ्रेम के ऊपर। ठीक है, लेकिन अब इशू क्या हो रहा है, ठीक देखिए लाइट्स आस्ता आस्ता करके ऑन होना शुरू हो जाती हैं, तो ये तो हम लोग नहीं चाह रहे ना, ऐसा ना हो। ठीक है, तो हम लोग इसको
हम लोग चाह रहे हैं कि वो सारा मतलब एक ही बार जो वैल्यू है वो सारी मतलब एक ही बार चीज़ से ऑन हो लाइट्स, ठीक हो गया। तो उसके लिए हम लोग दूसरी इंटरपोलेशन की पावर होती है, लेकिन मैं आपको ज़्यादा शांति का बताता हूँ क्योंकि आप सब लोग निगेटिव हैं। फ्रेम 119 के ऊपर जाए, हम लोग चाह रहे हैं फ्रेम 120 के ऊपर सारी एक ही बार ऑन हो जाए। तो हम लोग चाह रहे हैं फ्रेम 119 के ऊपर जाएँ, ठीक है, 120 के ऊपर सारी एक बार ऑन हो जाए, और यहाँ पर इसकी पावर वापस जीरो कर दें और फिर क्लिक करें आई यहाँ पे, ठीक है। आप ये देखें जो बीच में ऑरेंज लाइन बनी आएगी उसका मतलब कॉन्स्टेंट रहेगा, ठीक हो गया। और फिर वो फ्रेम 120 के ऊपर मैं प्ले कर रहता हूँ, ठीक, फ्रेम 120 के ऊपर वो जाके डायरेक्ट ऑन होगी, देखिए इस तरह से सारी की ठीक ऑन होगी। तो अब मैं इसके ऊपर की फ्रेम्स मूव कर देता हूँ, राइट क्लिक करें, ठीक है, क्लियर की फ्रेम्स करें, सारे की फ्रेम्स डिलीट हो गए हैं, ठीक, क्योंकि इस तरह मतलब आप लाइट्स को भी एनिमेट कर सकते हैं। तो इसके अलावा आई थिंक हाँ, स्मोक जो था वो अब आखिरी चीज़ रह गई है वोल्केनो की, तो उसके लिए स्टेशन और स्टेशन को तो हम लोग गायब कर देते हैं। रोड की भी हमें ज़रूरत नहीं है, लाइट्स और लाइट सेंसर्स की भी ज़रूरत नहीं है, हमें बस इन्वायरमेंट को एक्सपोज करना है। तो इसके लिए ये स्काई उसका बहुत ज़्यादा बड़ा है, और सी भी अभी मैं हाइड करता हूँ, ज़रूरत नहीं इसकी। तो अभी हमने बस जो है वोल्केनो उसके लिए हमने वो करना है, उसका स्मोक जो है एनिमेट करना है। तो आप करें शिफ्ट ए, मैश सिलेंडर, ठीक हो गया, या पतला सिलेंडर आई थिंक काफ़ी है, ये इसे इतना स्केल करें कि वोल्केनो के स्मोक के बराबर लग लें, और फिर एस जेड करके जेड एक्सिस के ऊपर से स्केल कर लें। टैब दबा के एडिट मोड में चल जाएं, इतनी सब डिविजन काफ़ी है। इसका टॉप फेस और जो निचला फेस है उसे सेलेक्ट करें, ठीक है, एक्स फेसेस डिलीट कर दें, उस फेसेस की हमें ज़रूरत नहीं है। फिर क्लिक करें कंट्रोल आर, ठीक है, काफ़ी सारे लूप पॉइंट्स क्रिएट कर लें, इतने आई थिंक काफ़ी होंगे, ठीक हो गया। और फिर हम लोग इसके ऊपर एक मॉडिफायर अप्लाई करते हैं, ऐड मॉडिफायर, ठीक है, और वो है वेव मॉडिफायर, ठीक। अब ये हम लोग अप्लाई करेंगे, सॉरी कंट्रोल सी, अभी मैं सब प्ले करता हूँ तो देखिएगा ये इस तरह से जीपीटी से बिहेव कर रहा है, इसका एफपीएस काफ़ी लो है इस वजह से ये सब बिहेव कर रहा है। तो इसका तरीका बेसिकली ये है कि सबसे पहले तो क्योंकि ये स्टार्ट बाद में करता होता है ना, थोड़ी देर बाद स्टार्ट होता था, बाद में आपको सही रश होगा। इसका जो ऑफसेट है उसको आप -100 कर लें, मतलब ये 100 फ्रेम पहले 1000 बल्कि कर रहे हैं, ये पहले से एनिमेट फिर हुआ होगा ये देखें, क्योंकि हम लोग नहीं चाह रहे कि जब हम लोग एनिमेशन स्टार्ट करें तब ये घूमना शुरू हो, ठीक। दूसरा प्रॉब्लम यह है कि ऊपर नीचे बाउंस कर रहे हैं, तो टैब दबा के एडिट मोड में चल जाएं, ठीक है, इसे सेलेक्ट ऑल करें, फिर आर एक्स 90 करके इसे इस तरह कर दें, फिर टैब दबा के रिमोट से बाहर आ जाए। तो ये देखें इस तरह की अब ये जीप सी शेप ले रहा है, ठीक, मैं ठीक कर देता हूँ। एड मॉडिफायर करें, सब डिविजन सरफेस मॉडिफायर करें, आई थिंक मैंने गलती से सॉलिडिफायर मॉडिफायर क्लिक कर लिया, सब डिविजन सरफेस मॉडिफायर क्लिक करें, ठीक हो गया। और इसे तकरीबन आई थिंक 1.8 ठीक है, और जो वेव मॉडिफायर इसकी जो हाइट है ये देखें वो था ये 0.1 कर दें, हम लोग चाहें इतना से ये मूव करें, ठीक है क्या। और अब स्मोक तो सारी बार स्टार्ट होता है, एडिट मोड की बाहर जब आए, पिछली बार याद है जब हमने रोटेट किया था एडिट मोड के अंदर थे, इस बार एडिट मोड से बाहर से रोटेट करें, आर एक्स 90, ये नेसेसरी है स्टेप्स के लिए, ठीक। अब हम लोग प्ले करेंगे तो ये देखिएगा ये इस तरह से यूँ मूव कर रहा है, ठीक। अब यहाँ से ये सब मूवमेंट्स की ठीक हो गया, अब फिर टैब दबाकर एडिट मोड में चल जाएँ, डी सेलेक्ट सब करें, जेड वायर फ्रेम करें, ठीक है, और जो एक्स सेलेक्ट सेलेक्ट मोड है वो सेलेक्ट करें, बी से बॉक्स सेलेक्ट करें, और सिर्फ टॉप एजेस वो सेलेक्ट कर लें, ठीक हो गया। फिर सॉलिड मोड वापस आ जाएँ, ओ से प्रोपोर्शनल एडिटिंग ऑन करें, देखें आपको पता चल रहा होगा, और फिर से स्केल हम लोग करते हैं, ठीक है, ये आई थिंक उसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा बड़ा बन गया, और इसे तकरीबन इस तरह से यूँ स्केल करते हैं, ये आई थिंक इतना काफ़ी है मेरे लिए, ठीक। अब ये देखें इस तरह से ये शेप बन गई है, इस तरह से ये मूव करता रहेगा, ठीक हो गया, ये यहाँ से क्रिएट हो गया। अब हम लोग इसे वोल्केनो के ऊपर प्लेस कर देते हैं, जी जेड से ऊपर लग करें, और जी एक्स से साइड के ऊपर ये वोल्केनो के ऊपर लें, और जी जेड करें, ठीक हो गया। और इसे हम लोग एक मटेरियल दे देते हैं न्यू, और उसका नाम रखेंगे हम लोग स्मोक, हमने कहा था अभी मटेरियल हम लोग प्रॉपरली क्रिएट नहीं करेंगे, सारा कुछ बस प्लेस होल्डर ही होगा। तो अब हम लोग सारा कुछ वापस ले आते हैं, ठीक हो गया। तो अब हेल्थ से हमारा सारा कुछ जो क्रिएट होना था वो क्रिएट हो गया। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग इसका जो है नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग सारे जो मटेरियल्स हैं इसके वो क्रिएट करेंगे प्रॉपर तरीके से, और शायद प्रॉपर्ली रेंडरिंग करेंगे, और मैं आपको कैमरा मूवमेंट बता दूंगा क्योंकि ये पार्ट आई थिंक काफ़ी लंबा हो गया है, तो कैमरा मूवमेंट भी मतलब मैं आपको थोड़ी बहुत बेसिक बता दूंगा। तो फिर नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।